गिरफ्तारी तो हो गई है मामा, लेकिन आगे क्या होता है ये आप भी अच्छी तरह से जानती। बताया जा रहा है कि ईशा और मिनाल एक ही यूनिवर्सिटी में मेडिकल की स्टूडेंट हैं, लेकिन अभी तक ईशा और इस लड़की को इंसाफ मिलेगा? अच्छा सवाल है मामा, लेकिन इसका जवाब भी आप बखूबी जानती। सोशल मीडिया के प्रेशर में आके गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन कल को यही लोग पैसे लेकर या धमकी के प्रेशर में आके केस वापस ले देते। रोज अदालत में इसी तरह के केस तो देखते हैं हम लोग। मेरे लास्ट केस में क्या हुआ था, मेरी सारी की सारी मेहनत और वक्त बर्बाद हो गया था जब विक्टिम ने पैसे ले लिए और अदालत ने केस डिसमिस कर दिया। यही तो मसला है हमारे सिस्टम का, इसीलिए मुजरिम को वो सजा नहीं मिलती क्योंकि विक्टिम पैचअप कर लेता। ऐसे ही चलता रहेगा मामा, बट आई होप वन डे दिस चेंजेस। या आई होप सो टू। चले मैं जा रहा हूँ, लव यू, बाय। आप दोनों मुझे माफ कर दे, ये सब मेरी वजह से हुआ है। भाई मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से इतनी तकलीफ में। कितना समझाती थी तुझे, मना करती थी उन लोगों से दूर रहो, लेकिन तुमने मेरी आखिरी सुनी। देख तुम्हारी उस दोस्ती की वजह से आज हम किस हाल को पहुंच गए हैं। माँ हंस भी कर रहे मेरी बेचारी बहुत तकलीफ में। मैडम लीजिए प्लीज। सर आपने देख लिया बाहर पूरा मीडिया खड़ा है, ऊपर से प्रेशर बहुत था, इसलिए सर मजबूरन आपको यहाँ लाना पड़ा, वरना मेरी इतनी जरूरत कहाँ। करना भी नहीं इतनी जरूरत। नहीं सर मेरी इतनी मजाल कहाँ। सर बस आप थोड़ी थोड़ी सी देर वेट करें, बस कागजी कार्रवाई पूरी हो जाए फिर आप चले जाइएगा। सर कोई एसी नहीं है? नहीं सर अभी लगवाया नहीं। आप लीजिए ना सर। मैडम प्लीज आप तो ले। फोन करो यार, कहाँ रह गया ये वकील? जी, जी, जी सर आप कहाँ हैं, जल्दी आए। अच्छा आप मुझे बताएंगी आपके मिनाल से दोस्ती कैसे हुई थी? बेटा दोस्ती करते वक्त अपनी हैसियत भी देखी जाती है। बस एक यही गलती तो हुई मुझसे, सारी जिंदगी याद रखूंगी। अच्छा बहन आपकी एफआईआर के तनाजर में आपके दोनों बच्चों की बाज़ाबी मुकम्मल हो चुकी है और हमने दोनों का बयान भी ले लिया है। बस इस केस के सिलसिले में जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी हम आपको जहमत देंगे। बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, उन लोगों को आप कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। बहन अपनी पूरी कोशिश करेंगे, आप बेफिक्र रहें। अब मैं चलता हूं। Okay.
देखिए हमें किसी से कोई बात नहीं करनी। आइए सर, आइए, ये मीडिया को हटाएं, यहाँ से मीडिया को हटाएं, हटाएं, आप लोग हटें, सर आइए, हटें हटें, आप लोग हटें, सर आइए, पीछे हटें, आप लोग पीछे हटें, पीछे हटें। देखें देखें, बेल हो गई है, कोर्ट से ऑर्डर्स आ गए हैं और वो लोग रिलीज हो गए, ठीक है, सजा मिलनी चाहिए। जी बस कह दिया मैंने जो कहना था। इश्क है या दगा है, जुर्म है बस थोड़ा सा मम्मी, दिल नहीं कर रहा है। ईशा उमर केस में एक और पेशरफ्त, मलिक अजलान और मिनाल की रिहाई, इस सिलसिले में आइए हम आपको अपने नुमाइंदे के पास लिए चलते हैं। कैसे हो गई आपकी पावर का नतीजा? देखें देखें, बात सुने, ये जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि सियासी मुखालफत है, सारी झूठ बोला उन लोगों ने, झूठा इल्जाम लगाया। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, एआई के थ्रू ये वीडियो बनाई गई है, लेकिन हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम भी जवाब देंगे। दरवाजा खोलो। थैंक यू सो मच। हां आप लोग सच का साथ दीजिए, एक तरफ की स्टोरी मत सुने सिर्फ, चलो। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। खिला पिला के भेजो जरा। हाँ बंद कर, बंद कर पहनना। जैसा कि आप लोग हमारे चैनल से ताजा तरीन मनाजिर देख रहे हैं, मलिक इजलाल और उनकी बहन मिनाल की जमानत हो गई है। कैमरामैन मंजर हुसैन के साथ सामिया हिजाब, हम न्यूज। ये लोग इतनी जल्दी कैसे छूट सकते हैं? मैं तो जानती थी ये ज्यादा देर अंदर नहीं रहेंगे, लेकिन अम्मी इतनी जल्दी? आपने FIR कटवाई है, हम दोनों के बयान रिकॉर्ड हुए हैं, फिर ये लोग इतनी जल्दी कैसे छूट गए? इस मुल्क में हमेशा इसी तरह होता, कितनी FIR फाड़ के रद्दी के टोकरे में फेंक दी जाती है, कुछ नया नहीं होता यहाँ। नहीं भाई, हम भी खामोश नहीं बैठेंगे, इनको इनके जुर्म की सजा मिलके रहेगी। ये अल्लाह है। रुको रुको, मैं जाती हूँ। ये अल्लाह,
ईशा, आपके मुजरिम मलिक इजलाल और मिनाल को जमानत पर रिहाई मिल गई है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए प्लीज, हम इस बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहते, आप लोग जाएं यहाँ से, जाएं प्लीज। अम्मी मुझे बात करने दें, मुझे मुझे बात करनी है। ईशा, ये मलिक इजलाल की हराम की कमाई का नतीजा है जिसकी बदौलत उसको इतनी जल्दी रिहाई मिल गई है। आप लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ और मैं आखिरी हद तक कोशिश करती रहूंगी कि इन दरिंदों को सजा मिल सके, ताकि कोई और ईशा इनके जुर्म का शिकार ना हो। शावेज, अस्सलाम वालेकुम। मामा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? ठीक, ना बताएं। रूबी, शावेज के लिए पानी ले आइएगा प्लीज, और खाना भी जल्दी से लगा। जी बेगम सर। और बताओ भाई, कैसा रहा तुम्हारा दिन? बस वही, एक और तारीख मिल गई एज यूजुअल। एज यूजुअल। इस केस की नई डेवलपमेंट देखी तुमने? इस लड़की में दम है। आई होप जैसे आप कह रही हैं वैसे ही हो, वरना मुझे तो डर है कि कहीं प्रेशर में आके सुलह ना हो जाए और केस ही डिसमिस ना हो जाए। मुझे नहीं लगता ये लड़की इतनी जल्दी हार तस्लीम करेगी, इन जमीनी खुदाओं के सामने घुटने नहीं टेकेगी। लेट्स सी क्या होता है। केस वो नहीं है जो आप लोगों को बताया जा रहा है। मलिक इजलाल मुझसे शादी करना चाहता था जबकि वो पहले से ही शादीशुदा था, और जब मैंने उनको शादी के लिए इनकार कर दिया तो उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे राज़ी करने की कोशिश की, और नाकामी की सूरत में मुझे और मेरे भाई को अगवा करके हमें तशद्दुद का निशाना बनाया। तुम हो। क्या हुआ? Everything all right? हाँ, I'm fine. कोई तो बात है जो आपको परेशान कर रही? नहीं। Actually, जब से मैं इस लड़की का केस फॉलो कर रही हूँ कुछ अजीब सी कैफियत हो रही है मेरी। मामा, आप हर इंसान पे होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती, उनका केस लड़ती, लेकिन मैंने अक्सर नोट किया कि इस तरह के केसेस आपको परेशान करती थे। कोई तो बात है जो आपको टेंस करती है, बताइए मुझे, शायद मैं आपको कोई मदद कर सकूं। शावेज, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम फजूल में परेशान हो रहे हो। I'm fine. कॉफी पियेंगे? हाँ, जाओ जल्दी से बना के लाओ। अभी लाया।
हेलो मिनाल, ईशा तो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त थी और तुमने ये सब किया उसके साथ। मैंने वीडियो देखी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था अपनी आंखों पर। बकवास बंद रखो अपनी, मुझे ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जो ईशा के साथ हुआ है ना वो तुम्हारे साथ हो जाए। भाई हमने तो प्लान किया था कि हम ईशा और उसकी फैमिली को बर्बाद कर देंगे, लेकिन उसने तो हमें ही दलील रुसवा कर दिया है सबके सामने। हर तरफ से कॉल्स और मैसेजेस आकर हमें ही लानतान किया जा रहा है। क्या यही प्लान था आपका कि हम अपनी ही जिल्लत पर खामोश बैठे रहेंगे और वो मैडम लाइमलाइट बनी हुई हमारे खिलाफ भाषण देती रहेगी? रिलैक्स, रिलैक्स, उछल रही है मैम, उछल दे दो। तुम जानती हो ना अपने भाई को, तुमने वो रस्साकशी का मुकाबला देखा है कभी? उसमें मुकाबल को अपने पैरों पर गिराने के लिए थोड़ा सा रस्सी को ढीला छोड़ना पड़ता है और फिर बस अभी खींची नहीं है रस्सी में। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा कि बाकी रिपोर्टें तो बिल्कुल ठीक आ गई हैं। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाओगे बेटा। मैं तो बहुत जल्द ठीक हो ही जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हालात इतनी जल्दी ठीक हो सकेंगे। अम्मी जरा हेल्प कीजिएगा बैठने में। स्टूल लेकर आओ, ये रख दो इधर। बिस्मिल्लाह, ये रखो। काश काश मेरे पास इतने वसाइल होते कि मैं आप लोगों को यहाँ से कहीं बहुत दूर लेके चला जाता। कहाँ जाएंगे बेटा हम? कहीं भी अम्मी, लेकिन इस तरह अब हम यहाँ तो नहीं रह सकते ना। किस तरह उस वहशी का मुकाबला करेंगे? वो दरिंदा इतना सब कुछ होने के बाद चैन से नहीं बैठेगा। वो हमें या ईशा को कोई ना कोई नुकसान जरूर पहुंचाएगा। भाई थैंक यू। आप लोग क्यों इतनी जल्दी हार मान जाते हैं? हम उनका डट के मुकाबला करेंगे। तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात है उनके सामने खड़े होने की, उनसे बात करने की या उनका मुकाबला करने की? देखा नहीं तुमने उन लोगों ने तुम दोनों का क्या हशर कर दिया है? अभी भी तुम्हें कोई खुशफहमी है? ईशा तुम्हें अपने भाई पर तरस भी नहीं आता? आज हम जिस मुसीबत में खड़े हैं ना वो सब तुम्हारी वजह से। नहीं करोगी तुम उसका मुकाबला, और बंद करो ये तुम अपनी बयानबाजियां। और आइंदा अगर तुमने कोई बयान दिया ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी तुम। क्या कर लोगी तुम? मुकाबला करोगी उनसे? अपना चेहरा देखो, अपने और अपने भाई के चेहरे के जख्म गिनने बैठोगी ना तो सब भूल जाओगी, भूल जाओगी उनसे मुकाबला करना। प्लीज मुकाबला करने वाली अमित, अपना चेहरा देखो, अपने और अपने भाई के चेहरे के जख्म गिनने बैठोगी ना तो सब भूल जाओगी, भूल जाओगी उनसे मुकाबला करना। कौन
अंदर रो रही है। रोने दो उसे, नदामत के आंसू हैं। हेलो हेलो जवेरिया, कैसी हो? अपनी पिन लोकेशन सेंड करो। पिन लोकेशन? खैरियत क्या हुआ? अपनी पिन लोकेशन सेंड करो। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू एनी मोर एट दिस टाइम। हाँ वो तो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है। कनाडा में बैठी हो और तुम्हें यहाँ पाकिस्तान में मेरी लोकेशन क्यों चाहिए? उमेर बहस मत करो, जो कहा है वो करो, बाकी जवाब मैं तुम्हें मिलकर दूंगी। क्या मतलब तुम यहाँ पाकिस्तान आ गई हो? यस, सेंड मी योर पेन। शवेरिया पाकिस्तान आ गई है? पिन लोकेशन सेंड की। अरे बेटा तुम्हारी दवा का टाइम हो गया। ये दर्द ज्यादा हो रही है? अम्मी वो तो सब ठीक है। अम्मी मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाह रहा था। हाँ कहो। वो मैं कनाडा से, मैं इस दफा पाकिस्तान सिर्फ ये कहने के लिए आया था कि हाँ हाँ बोलो कि मैं और वो अमी जी, ये उमेर का घर है। हाँ पर आपको किससे सुने, आपको किससे मिलना है? ओह माय गॉड उमेर, तुम्हारी क्या हालत हो गई है? कनाडा से इसलिए वापस आए थे? रिलैक्स, मैं बताने वाला था तुम्हें सब कुछ। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया, इतना टॉर्चर किया गया, तुमने मुझे बताना गवारा नहीं समझा? मैं तुम्हारी जिंदगी में मेरी इतनी भी अहमियत नहीं है? मैं तुम्हें बताने ही वाला था। कब बताते तो मुझे, जब तुम्हारी जान चली जाती फिर बताते? मुझे तो सोशल मीडिया से न्यूज मिलती रही है कि कैसे तुम्हारा किडनैप हुआ और तुम्हें टॉर्चर किया गया। तुमने मुझे इन्फॉर्म करना भी जरूरी नहीं समझा। व्हाट्स रॉन्ग विद यू उमेर? अम्मी ये जवेरिया है, मेरे साथ कनाडा में पढ़ती है और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। सिर्फ दोस्त? सच क्यों नहीं बताते इन्हें? हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम दोनों ने फैसला किया है कि हम लोग बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। अम्मी मैं आपको बताने ही वाला था लेकिन लेकिन मौका नहीं मिला। ये सब बातें बाद में होती रहीं। मुझे बताओ ये सब कैसे हुआ? कौन है ये इजलाल और उसकी बहन मनाल?
किन चक्रों में पड़ गई हो तुम? मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की और तुमने मेरी एक भी कॉल पिक नहीं की। मैं इतना परेशान हो गई थी उमेर कि मुझे कैनेडा से पाकिस्तान आना पड़ा। शायद मौका नहीं मिला तुम्हें इन्फॉर्म करने का। मैं अंकल की तरफ रुकूंगी, कुछ दिनों बाद मेरी वापसी है और तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। मैं तुम्हें अपने साथ वापस लेकर जाऊंगी। चेवीरी, अम्मी और ईशा से तुम मिल रहे हो? मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ। प्लीज, क्या आप लोग हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकती हैं? चेवीरी प्लीज, हमारी वजह से अम्मी और ईशा डिस्टर्ब हो रहे हैं। अंदर चलो, अंदर आराम से बैठ के बात करते हैं। बेटा जल्दी से कबाब निकालो फ्रीजर से। जी अम्मी। पहली दफा वो घर आई है, चाय तो अच्छी तरह से पेश करें उसे। ये नहीं। ना। मैं ना टेबल सेट कर देती हूँ। हाँ जो। उमेर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? तुम्हारी ये हालत तुम्हारी बहन की वजह से हुई है और तुम चाहते हो मैं आहिस्ता बोलूं? क्यों बोलूं मैं आहिस्ता? इतना बड़ा नुकसान हो गया, तुम्हारी जान भी जा सकती थी। चवेरिया रिलैक्स, जब मैंने अम्मी और ईशा को कुछ बताया ही नहीं तो वो तुम्हें इन्फॉर्म कैसे करती? तुम प्लीज उन्हें इल्जाम मत दो। हाँ हाँ, तुम्हारी माँ और बहन को कुछ कहूंगी तुम्हें तो बुरा लगेगा ही ना, क्योंकि तुम्हारे लिए वो दोनों अहम है, मैं नहीं। तुम्हें एहसास है तुम अपनी फैमिली की वजह से इस हाल को पहुंचे हो? यूज कर रहे हैं ये लोग तुम्हें। चवीरे प्लीज। तुमने उमेर कभी सोचा है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? बस मैंने फैसला कर लिया, तुम मेरे साथ वापस कैनेडा चल रहे हो। तुम मजीद यहां नहीं रुकोगे। चवीरिया, मैं इस सिचुएशन में अम्मी और ईशा को अकेले छोड़ के नहीं जा सकता। तो क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें मैं यहाँ पे बलि का बकरा बनने के लिए छोड़ दूं? हालत देखी है तुमने अपनी? देखो, तुम इस वक्त गुस्से में, हम इस बारे में बाद में बात करें। उमेर, मैंने फैसला कर लिया, तुम भी इस बारे में सोच लो, लेकिन होगा वही जो मैं चाहूंगी। जवेरिया, बेटा चाय तो पी जाओ। सॉरी आंटी, मैं आपके साथ बैठकर चाय पीने नहीं आई। उमेर के लिए परेशान थी इसलिए कनाडा से पाकिस्तान आई। आई विल कॉल यू। किसी चीज की जरूरत थी तो मुझे बता देते बेटा, मैं दे देती। नहीं अम्मी, मत चला करो इतना, अपनी टांग पे जोर नहीं डाला करो ज्यादा। जी अम्मी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। बोलो। मुझे पता है कि आपको जवेरिया का यहाँ आना
उसका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मी, मैं आपको अपने और जवेरे के बारे में बताने ही वाला था, लेकिन मौका ही नहीं मिला। देखो उमेर बेटा, तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में फैसला करने का पूरा इख्तियार है। तुमने बहुत छोटी सी उम्र में अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कर लिया था। हमारा ये घर तुम्हारे पैसों और तुम्हारे अब्बा की पेंशन से चल रहा है। तुमने मेरा और ईशा का हर तरह से बहुत ख्याल रखा। अब मैं खुद ये सोच रही थी कि तुम्हें हमसे हटकर अपने बारे में सोचना चाहिए, बल्कि मैं तो तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढने का सोच रही थी। लेकिन अगर तुमने जवेरिया का इंतखाब किया तो मुझे कोई एतराज नहीं है बेटा। अम्मी, आपको जवेरिया अच्छी तो लगी ना? हाँ, बहुत अच्छी लड़की है। अम्मी, वाकई में बहुत अच्छी लड़की, बहुत अच्छी लड़की है अम्मी। वो क्या है ना कि मुझे इस हाल में देख के थोड़ा सा परेशान हो गई थी। अम्मी, मैं मानता हूँ कि थोड़ी आउट स्पोकन है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। अम्मी, आप प्लीज उसकी बातों को दिल पे मत लीजिएगा। नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल बिल्कुल भी मैंने उसकी बातों को दिल पर नहीं लिया, बल्कि वो जिस तरह से तुम्हारा ख्याल कर रही थी ना, मुझे तो वो बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी उसने जो भी कहा गलत तो नहीं कहा। तुम्हारी ये हालत हमारी वजह से हुई है बेटा, तुम वापस चले जाओ। नहीं अम्मी, मैं आपको ईशा को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? देखो बेटा, हम तुम्हारे साथ वहां जा नहीं सकते, तुम मुस्तकिल यहाँ रह नहीं सकते, तो कोई ना कोई फैसला तो करना होगा ना। अम्मी, वो सब बात की बात है, लेकिन मैं आपको और ईशा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं बात करूंगा ना जवेरिया से। बेल बजाओ। कौन हो सकता है इस वक्त? मैं देखता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम रुको, मैं देखती हूँ। कौन? पुलिस, दरवाजा खोलो। क्यों आए आप लोग यहाँ? क्या लेने आए? कहाँ जा रहे हैं आप? अब बताएं तो सही, आखिर बात क्या है? ठीक है, ये सब क्यों आ रहे हैं यहाँ? तुम उमेर हो? जी, मैं उमेर हूँ। अरेस्ट वारंट है तुम्हारा हमारे पास। अरेस्ट वारंट? क्यों, क्या किया मेरे बच्चे ने? मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी हथियार रखने का इल्जाम है इस पर।